इसमें आप आदि शक्ति दुर्गा माँ की सेवा करती हैं, पूजा करती हैं। जी, जब सावन रहता है तो पूरा महीने का सावन का व्रत करती हूँ मैं। जी, एक महीने का पूरा जी। और ये नवरात्रि में भी 9 दिन व्रत करती हूँ। सावन के व्रत में खाली एक गिलास दूध और बेल पत्र भर में लेती थी रात में जी, और दिन में पानी वानी पी लेती थी जी। दीदी सरकार, ये चुनावी माहौल आ रहा है, 2018 के विधानसभा चुनाव होने, तो इसमें आप का क्या कहना है, किस पार्टी की जीत होगी? या अभी से मैं क्या बोलूँगा, मेरे दरबार में आए तो मैं बताऊँ कौन आ रहा है, किसको बोलना, मुझे अभी से क्यों बोलूँ जी? जो कैंडिडेट, मतलब किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आपके पास आएगा आशीर्वाद लेने, तो क्या आप उसको आशीर्वाद देंगी? उसी को आशीर्वाद दूंगी, और नहीं होगा कहीं से मुकद्दर में तो मना कर दूंगी जी। मैं कोशिश कर सकती हूँ, कोशिश करूंगी, अगर भाग्य में कहीं से नहीं दिख रहा तो फिर क्या करूंगी, झूठा आश्वासन थोड़ी दूंगी कि जीत जाओगे, नहीं जीतोगे। दीदी सरकार, हमने सुना है कि आपका एक संगठन भी है। जी, संगठन है, अंबिका नाथ जैन सेवा संगठन है, बना है, मेरे भक्तों ने बनवाया है, लेकिन मैं मानव अधिकार अनाय में अजीज अहमद कुरैशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसमें मैं संरक्षक हूँ, और वो शुरू से जब मैं सतना आई थी तो उन्होंने मेरी शोभा यात्रा निकाला था, उनके संगठन में लंगड़े लूले बहरे अंधरे सब हैं, और ऐसे ऐसे लोग उनके संगठन में हैं जो जिनको कोई नहीं पूछता, कोई पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को वो संगठन में रखे हैं, और बहुत अच्छा संगठन है उनका, उनके में मैं संरक्षक हूँ, और मुझे मीटिंग वूटिंग में नहीं बैठाते, वो जब मुझे बुलाते हैं तो बहुत मान सम्मान से और मेरी शोभा यात्रा निकालते हैं, और पहली शोभा यात्रा अजीज अहमद कुरैशी जी भी निकाले थे। अब ये जो संगठन बना हम वीर कानाथ जन सेवा संगठन, मेरे भक्तों ने बना लिया कि दीदी सरकार आप मूढ़ी हैं, शहर छोड़ के चली जाती है, यदि संगठन रहेगा तो आप बन जाएंगी, सेवा तो कर ही रही हैं तो इसमें भी करिए संगठन। दीदी सरकार, यहीं से अपन बंद करते हुए आपको जय सियाराम। जय सियाराम कहूँ कि क्या कहूँ, और बाकी नेता तो सपना के सभी जुड़े हैं, सबको आशीर्वाद दी हूँ, जिनके भाग्य में था उसको भी दिया है, जिनके नहीं था कभी उनको भी दे दिया, उनकी भी जीत हुई है। ममता दीदी भी हैं, शंकर लाल तिवारी जी, गणेश सांसद जी, जितने नेता हैं शहर के, रीवा के जितने नेता थे जब मैं 2003 में थी रीवा में, सबकी अर्जी मेरे यहाँ लगती थी। ममता दीदी है तो वो 10 साल से मुझसे जुड़ी हैं, महापौर जी, लेकिन उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो किसी जात का सम्मान नहीं करती हैं, वो जिसका सम्मान करती हैं तो शुरू से करती हैं और लास्ट तक करती हैं, यही हाल उनके बच्चों में भी है। ममता दीदी में मैं बदलाव नहीं देखी, इसलिए मुझे गीला सूखा नहीं है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया नहीं।